बत्रा साहब, हम जानना चाहते हैं कि पहले 3 दशक पहले जो हमारे भारतीय हिंदी सिनेमा की फिल्में आती थी वो हमें हमारे परिवार को और हमारे समाज को कुछ संदेश दिया करती थी, कुछ सकारात्मक संदेश दिया करती थी कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, सकारात्मक करेंगे तो ऐसा होगा। ज़्यादातर जो विलेन हुआ करता था, जो नकारात्मक रोल करता था उसको गालियाँ दिया करते थे, और जो अभिनेता अभिनय करते थे उनको सकारात्मक दिया करते थे। लेकिन जो वर्तमान में फिल्में आ रही हैं उन फिल्मों में, उन हिंदी सिनेमा की फिल्मों में कोई भी सकारात्मक वक्तव्य, विचार या जानकारी या कथा, कहानी नहीं होती है। क्या वजह है कि उन फिल्मों में और इन फिल्मों में बहुत परिवर्तन हुआ है, लेखन में भी, दृष्टिकोण में भी और निर्माण में भी? हाँ, निश्चित रूप से परिवर्तन तो इतना हुआ है कि सब कुछ व्यावसायिक हो गया है, कॉमर्शियल हो गया है। हर आदमी समाज, पहले कहा जाता था कि जो फिल्में हैं समाज का आईना है। जी, आईना तो आज भी है, लेकिन वो इतना विकृत कर दिया गया है कि उसे हम दिखाकर दर्शकों को, यूथ को, हम उन्हें भटका रहे हैं। हम कोई अच्छी राह नहीं दिखा पा रहे हैं। अच्छी राह दिखाने के लिए एक दो फिल्में मुश्किल से आएंगी या एक दो वेब सीरीज। अब वेब सीरीज भी ऐसी हो गई हैं कि इतनी भयानक भयानक हैं कि हम तो देखना, तो खैर क्या, अश्लीलता और बहुत ज़्यादा हिंसा, क्राइम, हिंसा को तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे कोई राइट है, हमारा अधिकार है, जैसे हम जवान है तो हम हिंसा कर सकते हैं। जैसे श्री राम जो है जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, हाँ, एकदम सामान्य सीन है, हिंसक दिखा दिया। वो किसी उद्देश्य के लिए गए थे, एक भलाई के, एक उद्देश्य जो पहले से निश्चित था। श्री राम से जोड़ते हैं, जबकि वो क्या कह सकते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो उस लायक हैं कि जुड़ जाएं उनसे, उनके पात्र से जुड़ जाएं, उनकी सोच से जुड़ जाएं, उनके सिद्धांत से जुड़ जाएं, मतलब ही नहीं है जी। लेकिन हर आदमी अपने लिए वो अच्छी सेफ जगह तलाशता है, और उस सेफ के लिए, सेफ्टी के लिए अपनी या अपने आप को पोज करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी हरकतें करता है। आजकल तो उल्टी हरकत करना भी अपने आप को एक दिखाने वाली बात, सकारात्मक दिखाने की बात हो गई, जबकि वास्तव में ऐसा हो नहीं पा रहा जो होना चाहिए। हमारी फिल्में जो समाज को एक दिशा दे सकती हैं, जिसके पास इतना मसाला है, हमारे समाज के अंदर वास्तव में भी बहुत कुछ है। हमारे जो सिद्धांत हैं, संस्कृति है, हमारे हर प्रदेश की संस्कृति अपने आप में रिच है, लेकिन हम उसको ना दिखा के उसका दुरुपयोग करते हुए, यूँ सीधा सीधा अगर कहूँ तो, हम वो फिल्मांकन करते हैं सामने वाले को भटकाते हुए कि भाई यही अच्छा है, जबकि वो अच्छा नहीं है, ना समाज के लिए, ना देश के लिए, ना व्यक्तिगत उनके लिए, और ना ही उनके परिवार के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारी फिल्मों में आ रही है, मुझे तो नहीं भाती है जी। और जी, मुझे, आपने देखा होगा जो मेरी अब तक फिल्में जो भी आई हैं सामाजिक विषयों को लेकर, बिल्कुल कोई नग्नता नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। अपनी बात जो कहनी है मनोरंजन के साथ सामने वाले को बांधते हुए कहनी है। अब जैसे कहते हैं, तेज मसाला खाते खाते खिचड़ी को कौन पसंद करेगा, ये भी एक बात हो जाती है जी। तो सबको तेज मसाला खाने की आदत हो गई, और तेजी देखना चाहते हैं। तेजी में हिंसा भी है और सेक्स भी है, और गैर सामाजिक इतने काम दिखाए जाते हैं कि आदमी कोई एक छोटा काम करके सोचता है, अरे उसमें भी तो था, तो हमारा यूथ भटकता है। जी जी जी। तो जी, वो भी जिम्मेदार अगर निर्माता कोई होगा तो नहीं करेगा, लेकिन निर्माताओं को केवल और केवल सामने टंगे नोट, मुद्रा, पैसा ही दिखता है, ये दिखता है और कुछ नहीं दिखता। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।